सर, आज थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगी है, कितना नुकसान हुआ और क्या कारण रहा है आग लगने का? ये शॉर्ट सर्किट से ऊपर से काफी दो तीन बिजली के तार गए हुए थे, उसमें अचानक एक पक्षी के जो है फंसने से उसकी स्पार्किंग से जो है अचानक नीचे घास फूस और गाड़ियां थी उसमें आग लग गई। और चूंकि ये सब टायर फोम और एक्सिंग ये थी, तेज हवा चल रही थी, इसलिए आग ने जो है जो वाहन खड़े थे सबको पकड़ लिया और सारे टायर जो ज्वलनशील होते हैं उसके फोम रैकिंग भी ज्वलनशील होती है तो उस सारे वाहनों में पकड़ लिया। तत्काल फायर सर्विस की एक यहाँ जो गाड़ी रहती है लोनी में उसने और साहिबाबाद वैशाली से भी गाड़ियाँ बुलाई गई, आग को बुझा लिया। टोटल कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आई थी सर? कुल वहाँ तीन गाड़ियाँ आई थी, उसके साथ एक और आग आपको मालूम है कि यहाँ मंडोला के पास जो है ट्रक में आग लगी थी, वहाँ भी खेकड़ा से एक गाड़ी बुलाई गई थी और एक यहीं से जो गाड़ी आई थी उसमें से आकर के इस आग को भी बुझा दिया गया। सर, इस ट्रक में आग लगने का क्या कारण रहा है? ट्रक में अब ऐसा ये बताया जा रहा है कि आ रहे थे, अचानक इनको पता लगा कि हमें पीछे से किसी ने बताया कि आपकी गाड़ी में आग लगी हुई है, तो इन्होंने रोक करके सामान उतारने की कोशिश किया, फिर ले जाकर के टक्कर इन्होंने वो पोल है बिजली का उसमें मार दिया। ये बता रहे हैं कि हमने सोचा पलट करके सामान को बचा लिया जाए, लेकिन वो जो है आग लग और बढ़ गई इसकी वजह से और आग को बुझा दिया गया और कारण की जाँच के बाद पता लगेगा। सर, कितना टाइम में आग पर काबू पाया गया? आग पर तत्काल जैसे ही सूचना मिली यहाँ की गाड़ी लोनी में जो मौजूद थी उसने बुझाना कार्यवाही प्रारंभ किया। उसके बाद क्योंकि साहिबाबाद फायर स्टेशन और वैशाली से आई गाड़ियाँ और आकर के आग को बुझाया, लगभग एक घंटे के अंदर आग को सब बुझा।